नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज सीधी बात हम करने जा रहे हैं एक बार फिर रविशंकर प्रसाद जी से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। दरअसल हो क्या रहा है कि आरोप लगते हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी एक अकेले आकर राफेल मुद्दे पर बोलते हैं और लगता है जैसे पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। राफेल पर आप मानेंगे इस बात को, क्योंकि मंत्रियों को मैदान में कूदना पड़ेगा। सरकार कोई बैकफुट पर नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के राहुल गांधी इतनी बेशर्मी की भाषा बोलेंगे यह अपेक्षा नहीं थी। राजनीति में श्वेता विरोध हो सकता है, आलोचना भी होनी चाहिए, उसका कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा। अब राफेल की बात आपने शुरू की तो मुझे आप एक मिनट दीजिए, मैं कुछ विषय रख देना चाहता हूँ। भारत वायुसेना के विमानों की कमी है, पुराने हो गए, एक्सीडेंट हो रहा है, पायलट मर रहे हैं। वायुसेना बार बार कहती है हमें विमान दीजिए। 2001 में अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था, 2007 में यूपीए ने शुरू किया, 2011 में रिक्वेस्ट पर प्रपोजल दिया जो टेंडर होता है, और 12 जनवरी में कहा कि राफेल सबसे अच्छा और सबसे कम दाम का विमान है। लेकिन ज्यादा दाम आपने दे दिया। एक मिनट, और उसको उन्होंने मई में रिजेक्ट कर दिया। इस बात को ध्यान रखिए, जनवरी 2012 में कहा कि राफेल सबसे L1 है, 5 महीने बाद मई में कहा कि इसको हम रीएग्जामिन करेंगे। क्यों? क्या कुछ दक्षिणा नहीं मिली थी? अब क्या ये जो 10 साल से चल रहा था, अब आपसे मैं पूछता हूँ 36 विमान क्यों? ये पीएम राष्ट्रपति ने तय किया, अधिकार है कानून में कि हेड्स ऑफ स्टेट कर सकते हैं 36, दो स्क्वाड्रन एक में होते हैं आप जानते हैं, तो उसको करके हम लोग करते हैं। दूसरी बात, भारत की वायुसेना को विमान चाहिए, चाहिए। आपने पूछा दाम की बात, आज तक पर श्वेता के सामने मैं कहता हूँ जो सेना के वायुसेना के उपाध्यक्ष ने कहा है, बाकी ने कहा है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते एग्जैक्ट बात सीक्रेट क्लॉज के कारण, हमारे मूल विमान का दाम यूपीए से 9% कम है, और विपन आयुध लगने के बाद एनडीए के द्वारा किए गए विमान की कीमत 20% कम है। ये तो हम बोल चुके हैं, वायुसेना के लोगों ने कहा है। अब आप कहती हैं खुल के क्यों नहीं बताते? क्योंकि हम राहुल गांधी की तरह गैर जिम्मेवार नहीं है, सीक्रेट क्लॉज है, और मेरे सामने सब चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। पर जेपीसी से क्या ऐतराज? देखिए, किसी पर्याप्त जानकारी नहीं रखने वाले नेता के अहम के लिए जेपीसी नहीं होती है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। बोफोर्स में घुस दी गई थी, बोफोर्स में एक मामा जी थे ना, कोतरों की मामा जी, उनको भगाया गया था बोफोर्स में। मुझे याद है हंसराज भारद्वाज ने उस समय के लॉ ऑफिसर को लंदन भेजा था कि अकाउंट को डीफ्रीज कर दो। यहाँ तो सब कुछ ओपन है, और देखिए बिल्कुल मैं अपने सामने रखा हूँ, डसॉल्ट ने कहा है कि सारा निर्णय हम लोग का है, हम अनिल अंबानी नहीं, हम लोग 100 कंपनियों को और काम देने वाले हैं इंडिया में बाकी विमान के लिए, लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है श्वेता, राहुल गांधी की भाषा और पाकिस्तान के नेताओं की भाषा में साझा क्यों हो रहा है? क्या आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये कहकर रविशंकर जी? बिल्कुल नहीं, हमें इस बात का बहुत गर्व है श्वेता कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ईमानदारी से काम हुआ है, और आज मैं आज तक के चैनल पर जिम्मेवारी से कहता हूँ, एक व्यापारी को लाइए, कंपनी को लाइए जो कहे कि 4.5 साल में मोदी की सरकार में किसी मंत्री को हमने घुस दिया है। नहीं, क्योंकि जब राफेल मुद्दे पर फ्रांसवा ओलांद कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, उस इंटरव्यू पर आप यकीन नहीं करते हैं, दूसरे दिन जो इंटरव्यू देते हैं उस पर यकीन करते हैं। आजकल एक लगता है जैसे कि हर तरफ ये हो रहा है, एक चीज़ हो जाती है कांग्रेस की सहूलियत के लिए, एक चीज़ हो जाती है बीजेपी की सहूलियत के लिए, लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत सही कहा आपने। फ्रांसवा ओलांद राष्ट्रपति नहीं है जी, एक महिला को लेकर चर्चा फ्रांस में उठी है, मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसने उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं दिया, नेक्स्ट डे उन्होंने क्लारीफाई किया, और फ्रांस की सरकार ने और डसॉल्ट कंपनी ने साफ कहा कि यह हमारा निर्णय है कि हम किससे कराएंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात कहूं कि जो बार बार बात उठ रही है, तो कांग्रेस ने अपने समय में आज जो HL की इतनी बात कर रहे हैं तो उसको क्यों डिच कर दिया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी, अगर उनको इतना प्रेम था, ये पूरा जो आपके ऑफसेट पॉलिसी है किसके समय बनी थी? उनके समय बनी थी। ये रिलायंस इंडस्ट्री के साथ MOU कब हुआ? 2012 में हुआ था। अब कौन भाई के पास क्या गया वो मेरा विषय नहीं है। तो सब कुछ आपके समय में हुआ, और आज मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात में नहीं बैठा हूँ। देश की वायुसेना को विमान चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। देश की सुरक्षा को मजबूत करना है कि नहीं करना है? करना है। ये सवाल है सीधे। कांग्रेस तो अपनी तरफ से ये भी कह रही है कि आप वायुसेना के अधिकारियों से अपनी बातें कहलवाना चाहते हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ये कहना गलत है, वायुसेना के अधिकारियों को पूरा अधिकार है
वो टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हैं क्योंकि वो इसके पार्टिसिपेट किए हैं पूरे निगोसिएशन की प्रक्रिया में, और वो बिल्कुल उचित कह सकते हैं कि कितना दाम है कितना नहीं दाम है। ये तो अच्छी बात है कि उनके माध्यम से विश्वसनीयता प्रकट की जा रही है। देखिए, मेरा राहुल गांधी के बारे में एक बात कहनी है। श्वेता जी, राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? हर बार अभी राफेल के माध्यम से रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। उनको, उनकी माता जी, उनकी पार्टी जी को 20 बार लॉन्च कराना हो करें, लेकिन जिस तरह के अमर्यादित शर्मनाक भरे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा है, उसके मैं भर्त्सना करता हूँ। ये आज़ाद भारत में आज तक नहीं हुआ कि किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो। ये राहुल गांधी का गैर जिम्मेदारना आचरण है और मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है। बाकी तो कांग्रेस वाले तय करेंगे और देश तय करेंगे। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे खुशी होगी कि राहुल गांधी इस तरह की बातें करते रहें और कांग्रेस पार्टी और अपना भी एक प्रकार से व्यक्तित्व नीचा करता रहे। तो क्यों लग रहा है आपको कि ये सारी चीज़ें, कई दफ़ा निर्मला सीतारमण भी सामने आई, उन्होंने भी बहुत बार कहा, वायुसेना के तमाम अधिकारी आए, दसॉल्ट की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई, क्यों ये बार बार उठ रहा है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, क्यों राहुल गांधी कहते हैं कि अभी और मज़ा आने वाला है? उनके पास और कुछ है नहीं ना भाई, वो मज़ा तो बहुत दिन से ला रहे हैं। आपको याद होगा यूपी में दो भाई चढ़ गए थे साइकिल पर, याद है? उन्होंने कहा था अब यूपी में मज़ा आएगा, साथ हो गए, हमको आया 325-403 में। मैं राहुल गांधी का विषय इस सीधी बात में बहुत कुछ बातें करने को है। मैं इतना ही कहूँगा, राहुल गांधी उस पद पर हैं जहाँ उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनके पिता नेहरू जी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक गरिमा होती है। आप कौन सी मिसाल रख रहे हैं? और मैं फिर कहूँगा, राहुल गांधी के परिवार के खिलाफ बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और इस बार जो पिलाटस को जिस तरह से आगे इनकरेज किया गया ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए, सारी बातें सामने आ गई हैं। 12 बार बदला गया क्योंकि संजय भंडारी के संबंध रॉबर्ट वाड्रा से थे, सच्चाई। हमने उस विषय को क्या बुरी तरह से उछाला क्या? ये उनका स्तर है। और संजय भंडारी भी इस पूरे मामले में ऑफसेट का शेयर लेना चाहते थे। देखिए, आज के दिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देश की सुरक्षा के मामले में कभी हम लोग एक स्वर से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसलिए मैंने शुरू किया था, भारत के वायुसेना को विमान चाहिए, चाहिए। पायलट पुराने विमान में घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, हर रहे हैं। और ये कहते हैं कि सब, आप बताइए, क्या पाकिस्तान और चाइना को बता दिया जाए कि हमारे जहाज में क्या क्या लगा हुआ है? यही तो सुरक्षा का एक अवसर होता है। नहीं, चूंकि संजय भंडारी का नाम आप लेकर आए हैं, राहुल गांधी तो सत्ता में नहीं है इसीलिए वो आरोप लगाएंगे, लेकिन आप सत्ता में होते हुए आरोप क्यों लगा रहे हैं, जांच क्यों नहीं कर रहे? जांच हो रही है ना, संजय भंडारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है कि नहीं, पिलाटस की पूरी जांच चल रही है कि नहीं चल रही? रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं मुझे तो हमेशा बलि का बकरा बना लिया जाता है, चुनाव की सुगबुगाहट हो गया, मेरा नाम आ जाता है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप लाई हैं तो मैं आपको जवाब दे दूं। जैसे ही हमारी सरकार आई, हरियाणा की कार्रवाई हुई, वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए, अब जाके कार्रवाई खत्म हुई है। तो जब हाईकोर्ट से स्टे चल रहा है, हम विरोध कर रहे हैं, तो उस समय कहें हमें आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। अब कानून का स्थिति है, लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन वो कार्रवाई चल रही है, जमीनें सीज की गई हैं, आगे भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की कितनी परतें हैं? अगर ईमानदारी से काम करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो राहुल वाड्रा जी और राहुल गांधी जी, मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जी और राहुल गांधी जी, मोदी जी की सरकार में आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। साइकिल पर बैठने का जिक्र आपने किया था, दो महीने के, जनता साइकिल पर बैठने को मजबूर हो रही है पेट्रोल डीजल की वजह से? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपका विषय बताना चाहता हूं। भारत के पेट्रोलियम खपत का 83-85% हम बाहर से निर्यात करते हैं। अब भगवान ने हमको कोयला दिया है, सब कुछ दिया है, पेट्रोल नहीं दिया है। अब आज पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री में कोयला का, तेल का उत्पादन कम हो रहा है। वेनेजुएला उत्पादक है, वहाँ लड़ाई चल रही है, आपको मालूम है। अमेरिका ने अपना गैस को पूरा सप्लाई करना बंद किया है, तो ये दाम बढ़ा हुआ है। अब आपका कहना है कि हम इसको सस्ता करें, याद होगा अक्टूबर में हमने कम किया था तो लगभग 1-1 रुपया कम किया था। हम 1 रुपया भी ड्यूटी कम करते हैं तो लगभग 25-30 हज़ार करोड़ रुपये का असर पड़ता है दोनों मिलाकर के। प्रदेश सरकार करती है तो उनकी पूरी इराद करिए, GST में वो नहीं ला देते क्योंकि उनको अपने रेवेन्यू चाहिए। अब मैं आज श्वेता जी और सीधी बात के माध्यम से देश के सामने एक बात रखना चाहते हैं। सड़कें बनानी है ना, ये
आपके आयुष्मान भारत करना है ना, गांव में बिजली देना है ना, डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया करना है ना, इसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मिडिल क्लास की जेब से जाएंगे? नहीं, गरीबी जलता है मोटरसाइकिल पर, ऑटो पर, ये ठीक। देखिए जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कीमतें तो नहीं बढ़ रही, उसके टिकट तो वही के वही है। तो मैं बता रहा हूँ, ये देश के सामने हम रख रहे हैं, और जब अच्छे हाईवे बनेंगे, अच्छे रूरल रोड बनेंगे, अच्छी बिजली आएगी, डिजिटल इंडिया आएगा, तो मिडिल क्लास को भी तो फायदा होगा। मैंने आपसे पहले एक बार चर्चा किया था कि भारत में 121 करोड़ मोबाइल फोन है, आधार कार्ड है, तो आज हमारी सरकार आई थी सिर्फ 2 फैक्ट्री थी मोबाइल बनाने की, आज 127 फैक्ट्री है। तो मिडिल क्लास का जीवन तो सुधर रहा है। अगर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है तो अधिक जॉब के अवसर, अधिक इन्वेस्टमेंट के अवसर, तो ये पूर्णता में देखने की ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल प्राइस को अकेले देखेंगी तो आपकी बात में वजन होगा, अगर पूर्णता में देखेंगी तो मैं जो कह रहा हूँ वो आपके लिए विचार का बिंदु। आधार कार्ड की तरफ आप ले आए चर्चा किसकी जीत हुई न्यायालय में? देखिए आधार कार्ड में हमारा कानून जो बना था, अरुण जेटली जी ने बनाया था, मैं उनको सहयोग कर रहा था। आधार गरीबों की आवाज़ है, आधार के कारण हमने जनधन आधार मोबाइल जोड़ के 90,000 करोड़ रुपये बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। याद है ना आपको, राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, बिहार यूपी के गांव में 1 रुपया पहुंचता है, आज सबके अकाउंट में पैसा आता है। वो आधार ने करके दिखाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है कि गरीबों की आवाज़ को मजबूत करता है, उनकी गरिमा को बढ़ाता है। अब बाकी जो बैंकिंग का सवाल है, टेलीकॉम का सवाल है, इसको उन्होंने रोका है, उसका विचार कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगा, भारत आज डिजिटल दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले अमेरिका सिलिकॉन वैली गया था, पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जो समावेशी डिजिटल विकास, गरीबों की ई हॉस्पिटल, ई स्कॉलरशिप, स्वल हेल्थ कार्ड, ये सारे प्रोडक्ट दुनिया को आज आलोकित कर रहे हैं, तो हमारी ओर देखते हैं। तो हमें इस बात की चिंता करनी है कि दोनों के बीच में एक संतुलन बहुत ज़रूरी है, और भारत को हम डेटा एनालिसिस विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र आने जा रहे हैं। वे सारी बातें हैं, जिसमें गूगल गया था, वहाँ मैंने क्या आग्रह किया, क्या भारत के किसानों के लिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि उनके क्षेत्र में मौसम का असर आने वाले 15-20 दिन में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी उनको हो जाए, तो उनका बहुत अच्छी बात है, हम जरूर देखेंगे। तो ये भारत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से समावेशी विकास आम आदमी का, ये हमारी कोशिश है, और आधार का फैसला एक प्रकार से स्वागत योग्य है। लेकिन आपको लगता है कि जो फैसला आया है और जिस तरह की टिप्पणियाँ हुई हैं उसमें कहीं पर आधार कार्ड एक पैन कार्ड की तरह हो गया है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं रह गया है अब? नहीं, ठीक है। देखिए आपको मैं आज बताता हूँ, मैंने खबर सुनी कि हरियाणा में प्राइवेट अस्पताल फर्स्ट एड के लिए आधार मांगते हैं, मेरा गलत है। मुझे मालूम हुआ किसी को अगर राशन कार्ड नहीं दिया गया, हमने किसी बूढ़ा बूढ़ी को या किसी भी माँ बाप को अगर राशन कार्ड से गरीब को रोका गया, मैं आधार के बिना मैं बहुत सख्ती करूँगा, आप उसको वैकल्पिक तरीके से दीजिए, तो भाई आधार पर आइए। लेकिन आधार ने भारत की एक डिजिटल आकृति को दुनिया में एक अपनी पहचान दी है लो कॉस्ट, इस बात को समझिए। और देखिए श्वेता जी, 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 122 करोड़ आधार है, 121 करोड़ मोबाइल फोन है, और बहुत सारे गरीबों की पहचान सिर्फ आधार है, और आधार की पहचान सिर्फ दिल्ली की चर्चा से नहीं इतना किए, आज गरीब जो इंपावर हो रहा है कि मेरे अकाउंट में मेरा पैसा दिल्ली से आ रहा, जो मोदी जी भेज रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। और सैकड़ों लोग जिस पहचान को तलाश रहे हैं, यानी राम मंदिर की बात जब आती है अंतिम अड़चन जो लग रहा था, आज श्वेता जी बहुत कड़े कड़े सवाल पूछ रही हैं मुझसे, अंतिम अड़चन जो लग रहा था वो पार हो गया है। देखिए मैं आज आपसे निर्णय आ गया है जी, 29 अक्टूबर से सुनवाई है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे हिंदू और रामलला का केस बहस करने का भी अवसर मिला, आज मैं कानून मंत्री हूँ, मेरी सीमाएं हैं। देश की अपेक्षा है कि इसका फैसला जल्दी आना चाहिए, इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, सबूत क्या है क्या नहीं कोर्ट तय करेगा। मैं उस मामले के पूर्व वकील के रूप में कह सकता हूं बहुत बड़ी संख्या में सबूत उपलब्ध है। अब एक ही बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा, बीच में 2001 में खुदाई की गई थी 50 फीट छोड़कर के, सभी आशंकित थे, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, खुदाई किया गया तो 7वें सेंचुरी से लगातार मंदिर निकल गया जी, और वो गर्भ के नीचे बैठा हुआ है। लेकिन श्वेता जी मैं जो कहना चाहता हूँ कि 1900 ये नया विवाद नहीं, कुछ लोग कहते हैं क्यों इसको जल्दी सुनवाई करना चाहिए, तो अर्बन नक्सलाइट की सुनवाई 15 दिन में हो जाए, 397 जल्दी हो जाए,
बाकी सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन 70 साल से जो सूट पेंडिंग है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होनी चाहिए, इसे मैं ठीक नहीं मानता हूँ। आज जल्दी सुनवाई होगी, हम अपेक्षा करते हैं, और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहने की। नहीं, लोगों को सिर्फ ये था ना, विपक्षी दलों को खासकर, कि ठीक 19 के चुनावों से पहले क्यों ये सुगबुगाहट इतनी तेज हो गई? ये अपील कब से पेंडिंग है? हाँ, इसीलिए तो लोग पूछ रहे हैं। तो अपील कब से पेंडिंग है, इसको कितनी बार सुनवाई के लिए बहस की कोशिश की गई, कितनी बार इसकी सुनवाई को रोकने की कोशिश की गई? अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने जो पूछा है, जो पूरा फैसला आया है, तो रोकने की ही कवायद थी ना। 94 में इस्माइल फारूकी का फैसला आता है, 2001 से सुप्रीम अलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 2010 में हम लोग जीत गए वहां से, आपने 2010 में क्यों नहीं कहा? तो सुनवाई शुरू हुई तो आपने आपत्ति शुरू किया, तो कोर्ट ने उसका डिस्पोजल किया। तो एक प्रकार से इस बात को समझिए कि जो लोग राम जन्मभूमि के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की कोशिश कर रहे हैं दूसरे पक्ष के आधार पर कि हम तुम्हारे आका हैं, तो ये हमेशा करेंगे, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक बात अवश्य करूंगा कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच प्रेम सौहार्द के लिए भी जरूरी है कि इस निर्णय का जल्दी निष्पादन हो जाए। और आपको उम्मीद है कानून मंत्री से परे पूछ रही हूँ ये सवाल? देखिए, मेरे कानून मंत्री के रूप में सीमाएं हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस मामले के वकील रहे रविशंकर प्रसाद ये अपेक्षा अवश्य करेंगे कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो और निर्णय होना चाहिए। एक और मामला आजकल दरअसल अदालतों से निकल रहे जो मामले हैं वही देश में सुर्खियों पर छाते हैं, एक अर्बन नक्सल का मामला। पहले कई लोगों ने खुद को अर्बन नक्सल कहने से भी गुरेज नहीं किया, बाद में इस शब्द पर आपत्ति कर दी और कहा कि सिर्फ आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको सजा नहीं दी जा सकती, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकार की आलोचना करना आपका अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद की आलोचना करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह ये बोलने का अधिकार आपको नहीं है। और ये आप कहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, बहुत सख्ती से बोल रहा हूं। क्या मतलब है इसका कि आप ऐसे तत्वों के साथ खड़े हो जाएंगे जिसमें कई लोग के खिलाफ सबूत आए हैं कि राजीव गांधी की हत्या टाइप से कार्रवाई करने की बात कर रहे थे? और देखिए, एक बहुत मोटी बात समझिए, माओवाद अब खत्म हो रहा है सख्ती के कारण, बहुत से माओवादी अपना सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी पार्ट हैं, जो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, जो 10 लोग को जुटा नहीं सकते, जो जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन देश वही सोचेगा जो हम कहेंगे, और वो कहेंगे भारत कोई देश नहीं है, वो कहेंगे भारत को, जब अपना अपनी बात आएगी तो संविधान की पूरी बात कहेंगे। लेकिन श्वेता, ये बताइए, क्या माओवादी भारत के संविधान में विश्वास करते हैं? वो तो कहते हैं हम गोली मार देंगे तुमको विरोध करोगे, तो जिनकी वो वकालत कर रहे हैं वो गोली मारते हैं निर्दोष लोगों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, और उनके मानवाधिकार बात ये बुद्धिजीवी नहीं करेंगे। अपनी बात जब आएगी तो लेके खड़े हो जाएंगे। भारत के संविधान की धारा 19(2) में साफ लिखा हुआ है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत को तोड़ने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, बहुत साफ साफ बोल रहा हूं। ये हारे हुए, थके हुए लोग, जिन माओवादियों को या वामपंथियों को कोई पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता, वो अपने बौद्धिक लिखने की क्षमता पर देश नहीं चलाएंगे, ये सब जान लीजिए, और देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं सबूतों के आधार पर एक जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से ये भी सवाल उठ गए। देखिए, डिसेंट करना तो अधिकार है जज का या आम लोगों का? नहीं नहीं, नहीं आम लोग का भी डिसेंट करने का अधिकार है, क्यों नहीं? आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? नहीं, जज से नहीं पूछ सकते हम वो कॉन्टेम्प्ट में आ जाता है। अब देखिए, मेरा कहना क्या है, अब भारत की जुडिशियल व्यवस्था में एक यूनानिमस फैसला होता है, एक मेजोरिटी का फैसला होता है, तो किसी भी जज को अपनी बात कहने का अधिकार है और उसके विरोध में एक बात कहने का अधिकार है। हम एक बड़ा विषय ये रखेंगे श्वेता जी आपके सामने में कि भारत के ऊपर बहुत सारी ताकतें चोट करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम लोग भारत की आज़ादी, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दें। बाकी आप आलोचना करिए ना, आप रोज करते ही हैं। और जहाँ तक श्वेता मोदी जी का सवाल है, तो ये तमाम प्राणी तो उनका स्वागत 2001 से कर रहे हैं, आपको याद होगा,
मोदी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा, और ये जितने लोग कैंपेन कर रहे हैं इसमें बहुत लोग वो भी हैं जिन्होंने 14 में कहा था कि मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, हम देश के लोगों से अपील करते हैं, तो ये भी आपने देखा। तो हम तो उनको इतना तक टॉलरेट करते हैं, वो हमसे टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये पूरा अधिकार है। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर ऐसे तत्वों के साथ ये खड़े होंगे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। एक आलोचना तो असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे कि देखिए अडल्ट्री वाला जो कानून पर जो फैसला आया उसमें हिंदू पुरुषों को वही अधिकार दे दिया गया जिसके लिए मुस्लिम पुरुषों को पनिश किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को रिविजिट करना होगा अब सरकार को। देखिए अब ओवैसी साहब से मैं कानून सीखूंगा ना, उनके अपना एजेंडा है, लेकिन अगर उनकी ये सोच है तो गलत है। जिन कारणों पर 397 दिया गया है, महिला एम्पावरमेंट, महिला की समानता, वही तो तीन तलाक के बारे में लागू होते हैं विरोध में, इसमें अंतर कहाँ है? मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपने 397 की बात की उस पर मुझे एक बात अवश्य कहनी है जो मैं जजमेंट को पढ़ नहीं पाया हूँ। नारी का सम्मान, नारी का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, गरिमा, ये सब ठीक है, लेकिन आज मैं आपके चैनल पर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे एक दो दिन में एक बात कही है कि क्या भारत की विवाह की संस्था पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत में विवाह जो है हिंदुओं का विवाह वो अपने आप में एक मर्यादा गरिमा की बात है, आपको मालूम होगा, पति पत्नी के बीच समझदारी है, उसको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं। बाकी तो गरिमा का हम बहुत स्वागत करते हैं, मैं तो खुद जेंडर जस्टिस का बड़ा सपोर्टर हूँ और मुझे गर्व है कि मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को एयरफोर्स का प्लेन चलाने की इजाज़त दी। आप देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे आईटी के क्षेत्र में महिलाएं कितना बड़ा काम कर रही हैं, तो मुझे बहुत गर्व है। लेकिन ये जो एक बात आई है कि क्या इसका असर भारत की वैवाहिक संस्था की गरिमा और मर्यादा पर पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, पूरे इस जजमेंट को विस्तार से समझना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा निजी विचार है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के हम समर्थक हैं। और एक बात और समझिए, भारत की परंपरा में ये जो परिवार है ना, एक बड़ी चीज़ होती है, समाज को एकजुट रखने में परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इस सारे इम्प्लीकेशन को भी देखने की आवश्यकता है। तो यानी अगर आप, अगर ऐसा आपको लगा तो सरकार का स्टैंड उस पर, मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कहा कुछ लोगों ने मुझे बताया है जी, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो मुझे पूछा, मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये एक लोगों का एक एप्रिहेंशन है, मैं कोई सरकार का स्टैंड नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा निजी सवाल, मैंने बताया कि मैं एम्पावरमेंट के पक्ष में हूँ, अगर ये चिंता देश में उठ रही है तो उस चिंता का भी निराकरण करने की आवश्यकता है। और तीन तलाक को लेकर तो अध्यादेश है, गतिरोध वैसा का वैसा रहा, तो क्या दोबारा नवंबर में देखेंगे? देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मैं अपने शहर पटना गया था तो बहुत सारे तीन तलाक की पीड़ित महिलाएं और बाकी बहनें हमसे मिलने आई थी, और मालूम है उन्होंने सबसे अधिक ताली कब बजाई, जब मैंने कहा कि बेल देना पति को आपकी सुनवाई के बाद होगा और समझौता आपके इशारे पर होगा। उन्होंने कहा रवि जी इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। देखिए श्वेता, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब मैं इस मामले को कर रहा था तो इतनी जिल्लत है हमारी खवातीन, ये मुझे नहीं मालूम था। रोटी काली हो गई तीन तलाक, तू लेट से उठी तीन तलाक, व्हाट्सएप से तीन तलाक, मैंने बताया ना, जनवरी 17 से 13 सितंबर 2018 तक 430 तीन तलाक के फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद और लोकसभा पारित करने के बावजूद, तो हम, और ये जो हमको मालूम हो सका आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्या करें, खामोश रहें? और वो महिलाएं जाती थी थाने तो वहाँ का पुलिस वाला कहता था कि मेरे पास पावर नहीं है, क्या करें? तो ये समझना चाहिए कि देश में खवातीनों को अगर इज्जत देनी है तो ये जरूरी था, जबकि 22 इस्लामिक मुल्कों में इसका नियंत्रण हो चुका है। बिहार में ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि 20 हम लड़ेंगे, 20 में बाकी सब लड़ लो। उपेंद्र कुशवाहा ने खीर पका ली, पहले खिचड़ी पकती थी राजनीति में, अब खीर पका रहे हैं, पता नहीं उसका एक कटोरा भी मिला कि नहीं बीजेपी को। ये कहाँ से आए 20 तुम लड़ो 5 हम लड़े? अरे ये सब चर्चा भी होगी, आपको हम बताएंगे। देखिए अभी आपने ब्रेक के पहले कहा कि T20 खेलेंगे, नीतीश जी के साथ हम 5-day टेस्ट मैच खेलते रहे हैं, अटल जी की सरकार से हमारे साथ थे, बीच में 1.5-2 साल के लिए चले गए थे, फिर चले आए हैं और वही ईमानदारी के कारण चले आए हैं, क्योंकि लालू से उनकी पट्टी नहीं भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए हम लोग के संबंध बड़े गहरे हैं, जेपी मूवमेंट, चारा घोटाले के खिलाफ लड़ाई से लेकर हम लोग साथ रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। जब बीच में कुछ हल्ला हुआ तो नीतीश जी ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि मेरी बातचीत चल रही है और हम लोग सार्थक निष्कर्ष पे आएंगे। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि अच्छी बातचीत होती है हम लोग के बीच में,
उसके लिए हमें सीधी बात के माध्यम की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा के लिए अलग बंटवारा हो रहा है और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें नीतीश सीनियर पार्टनर रहेंगे। अब ये सब आपकी कल्पना है। देखिए एक बात जान लीजिए, हम लोग अपने एलाइज को कैसे ट्रीट करते हैं। श्वेता जी, 2014 के चुनाव में हमें पूरा बहुमत मिल गया था 30 साल के बाद। हम चाहते तो अपने एलाइज को अवसर नहीं देते ना। पीएम ने पहला काम किया कि जो हमारे साथ लड़े हैं सबको हम केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, ये आपने भी देखा है। तो इसलिए इसमें कोई आशंका करने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो महागठबंधन नहीं बना पा रहे हैं, अवसरवाद भी नहीं एक हो पा रहा है, अब वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। चिंता मत करिए, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बिहार में उनकी परेशानी हम समझते हैं। मोदी जी और नीतीश जी भाजपा एनडीए जदयू साथ आने के बाद, कुशवाहा जी साथ आने के बाद हम लोग स्वीप करेंगे, मैं जानता हूँ। जब पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज आज तक पर कार्यक्रम हमारा चलता है उसमें हालांकि सर्वे की जो बाकी चीज़ें थी वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन एक था कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन, उसमें तेजस्वी बहुत तेज़ी से पिक कर रहे हैं। 48% अभी भी नीतीश कुमार को कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सीएम बिहार का, लेकिन 28% अब उनके साथ जुड़ चुके हैं जो पहले नहीं जुड़े हुए थे। देखिए उसका कारण बहुत सिंपल है, नीतीश ही सिर्फ हैं और तो कोई है नहीं। नहीं, हमने सुशील मोदी का नाम भी डाला था। नहीं वो ठीक है, वो विपक्ष से हैं तो अब देखते हैं इसमें कोई। अभी तो मुझे चिंता इस बात की होती है कि पिताजी इस तरह से काम करके गए हैं कि तेजस्वी यादव और सब लोग परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं रेलवे वाले मामले में। अब बाकी लोकतंत्र में हर को काम करने का अधिकार है। हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी विपक्ष में रहें, जरूर रहें, भाइयों में अच्छा संबंध भी रहे, वो भी मैं कहना चाहता हूँ। आपको डाउट है? जो आप लोग दिखाती हो उसके बारे में मैं कहूँगा, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सीधी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।